ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा। तो वो एकदम सडन आसमाना शुरू हो जाते थे। देखिए गुड बाय मूवी देखी, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अच्छी लगी। इंडियन फिल्म मेकर्स बॉलीवुड वालों को 2 घंटे से ज्यादा की बनानी नहीं चाहिए, पर अगर फैमिली के साथ ही आना चाहिए इसको और मॉम डैड को लेके आओ। आई वुड से इट वाज वर्थी इफ यू आर वाचिंग विद योर फैमिली। मूवी वॉज एक्चुअली इट्स अ फैमिली मूवी, और अगर आप फैमिली के साथ देखने आ रहे हो इट्स अ वेरी टचिंग मूवी। आपको सैड मूवी है, आपको मतलब एंड में आपको इमोशनल हो ही जाता बंदा चाहे जैसी भी हो मूवी, पर फिर एंड में एक चीज़ होती है कि अगर आप यंगस्टर्स कॉलेज स्टूडेंट आ रहे हो तो इतना तुम्हें नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, पर अगर फैमिली के साथ ही आना चाहिए इसको और मॉम डैड को लेके आओ, उनको पता लगेगा। हार्ड हिटिंग है। I would say it was worthy if you are watching with your family. What was the best part in this whole thing? Stupid. The dog. Family dog. Stupid. Okay, and what about the work of other actors like Amitabh Bachchan? It was really good. It was really good. I really liked it. Should all the masses should watch this movie? What you would like? Mass? I mean the audience. Audience. Oh, I think they should watch it with families and stuff. सो सभी एक्टर ने बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीके से उसको काम किया है। सो बहुत ही अमेजिंग है। डायरेक्टर का थॉट वाइज, डायरेक्शन वाइज बहुत, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आया। मतलब हाँ, बच्चन साहब का बहुत ही अच्छा काम था। बेसिकली जब घाट का सीन होता है, वो अस्थियाँ विसर्जन करने जाते हैं, उस समय जो वो सीन बना और एक टाइम पे मूवी हल्की सी फॉल डाउन सा हो रहा था, देन सुनील ग्रोवर की जो एंट्री हुई और उन्होंने जो लाइट मूवमेंट्स के साथ क्या मैसेजेस दिए, सो मूवी वाज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। म्यूजिक म्यूजिक सॉरी मैं म्यूजिक कैसे भी बोल सकता हूँ, म्यूजिक का जो इंटेंस था कि कैसे म्यूजिक एक आपकी लाइफ में आके और किस तरीके से फ्लो बनाता है, मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। या मतलब सुनील ग्रोवर की जब एंट्री हुई, मतलब जब मूवी का फॉल डाउन वाला मोमेंट था ना कि अब यहाँ से मूवी ऐसा लग रहा था कि अब बोर होने लगा और बहुत ज़्यादा हैवी और हैवीनेस होने लगी थी इमोशंस के साथ, तब जब सुनील ग्रोवर की एंट्री हुई तो वो बहुत कमाल की एंट्री थी। और सुनील ग्रोवर तो हमेशा आते हैं तो लिफ्ट दे देते हैं। रश्मिका कमाल थे, बट रश्मिका के लिए ये बोलना चाहूँगी कि अगर वो डिक्शन थोड़ा साउथ वाला वो आ रहा था ना, वो हटा दे अगर उसको माइंड ना करें तो, बट रश्मिका की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर था रश्मिका का। जी बिल्कुल बिल्कुल, म्यूज़िक बहुत कमाल का था। जब भी मतलब इमोशंस आ रहे थे तो हम होल्ड करके ज़बरदस्ती से बैठ रहे थे कि निकले ना वो आंसू, बट जैसे ही वो म्यूज़िक का पंप आता था तो वो एकदम सडन आंसू आना शुरू हो जाते थे। मुझे मूवी अच्छी लगी बट बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस्ड है। मतलब विकास बहल की हमने क्वीन मूवी देखी थी, कितना सीमलेसली, और कंगना रनौत ने मूवी में ये किया था। इसमें तो मेन फैक्टर जो मुझे एक फ्लॉ लगा वो एडिटिंग था। इट कुड हैव बीन क्रिस्प। 2 hours 20 minutes, आई मीन रियली, मतलब आप 2 घंटे में मूवी बना सकते थे। वॉट एवर दे हैड टू शो, इट्स अ सोशल ड्रामा, ह्यूमन इमोशंस दिखाए गए, वो सब माना गया, बट इट्स फॉर निश ऑडियंस। हमारे जैसी ऑडियंस को पसंद आएगी, बट मास एंटरटेनर नहीं है, तालियों और सीटें नहीं बजेंगी। तो इट्स अ वन टाइम वॉच, बट डेफिनेटली द डायरेक्टर शुड इंट्रोस्पेक्ट नाउ, जो ये 2.5 घंटे 3 घंटे के बनाया जा रहा है, अनलेस योर कॉन्टेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी साउथ इंडियन डायरेक्टर्स का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो दे गेट अवे विद 2 hours 2.5 hours 3 hours, बट इंडियन फिल्म मेकर्स बॉलीवुड वालों को 2 घंटे से ज़्यादा की बनानी नहीं चाहिए। बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।